नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न में कौन से मुख्य बदलाव किए गए हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी जिसके द्वारा के कहा गया था कि यदि व्यक्ति स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो उस केस में उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा पे उसके ऊपर उसे इनकम टैक्स पे करना होगा। यानी कि यदि इम्प्लाई 2,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रिकॉग्नाइज स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड में 1 अप्रैल 2021 के बाद, तो जितना अमाउंट उसने 2,50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उस पर जो इंटरेस्ट अक्रू होगा वो उसे इनकम टैक्स के लिए ऑफर करना होगा। लेकिन यदि एम्प्लायर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है फंड में तो उस केस में 5 लाख रुपीज़ तक कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। यदि 5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस 5 लाख से ज़्यादा का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो इसके लिए जो मेथड है वो रूल 9D में दिया गया था इनकम टैक्स एक्ट में। रूल 9D इनकम टैक्स रूल का ये कहता था कि टैक्सेबल इंटरेस्ट अमाउंट किस प्रकार निकाला जाएगा प्रोविडेंट फंड या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में यदि एम्प्लाई कंट्रीब्यूशन करता है। दोस्तों, इस केस में 31 मार्च 2021 तक जो PF का बैलेंस है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसे तो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद आप जो कंट्रीब्यूशन करेंगे यदि वो स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा हो जाता है यानी कि 2,50,000 से यदि एम्प्लाई और एम्प्लायर दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से ज़्यादा हो जाता है, और यदि एम्प्लायर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है और अमाउंट 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है तो जितना एक्सेस अमाउंट होगा कंट्रीब्यूशन का उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उसे टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा और इसे आपको इनकम टैक्स के रिटर्न में रिपोर्ट करना होगा और टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, इसके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म है वो भी चेंज किए गए हैं। ITR 2 और ITR 3 में आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये सेपरेट हेड दे सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस बार से इंसर्ट किए गए हैं। यानी कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल एज पर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 एंड सेकेंड प्रोविजो ऑफ दिस सेक्शन एज वेल एज फर्स्ट प्रोविजो सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 एंड सेकेंड प्रोविजो। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन 2,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा होगा वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा, और यदि एम्प्लायर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 5 लाख से ज़्यादा का जो कंट्रीब्यूशन होगा उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी होगी। दोस्तों, यदि कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी ऐसे शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है जिनका कि 10% या उससे ज़्यादा का बेनिफिशियल ओनरशिप होती है इक्विटी कैपिटल में तो उस केस में उसे डीम्ड डिविडेंड माना जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। लास्ट ईयर तक इसके लिए कोई सेपरेट रिपोर्टिंग नहीं दी गई थी इनकम टैक्स में, इसलिए आपको टोटल डिविडेंड इनकम इसे इंक्लूड करना होता था, लेकिन इस बार से इसके लिए सेपरेट रिपोर्टिंग दे दी गई है। दोस्तों, आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही डिविडेंड इनकम को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि डिविडेंड इनकम अदर देन क्लोज नंबर 2 एंड डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 222E। इसके अलावा दोस्तों, जो व्यक्ति पेंशनर हैं उन्हें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अब सेपरेटली रिपोर्ट करना होगा कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के या फिर अदर्स। अब ये सेपरेट रिपोर्टिंग मांगी गई है। लास्ट ईयर तक तो यहाँ पे सिर्फ पेंशनर्स आप सेलेक्ट कर लेते थे, लेकिन अब आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, लास्ट ईयर से गवर्नमेंट के द्वारा नई स्कीम के अंतर्गत भी ऑप्शन दी गई थी टैक्स पे करने की, तो यदि व्यक्ति के द्वारा नई स्कीम को ऑप्ट किया गया था सेक्शन 115BAC के अंतर्गत तो उस केस में अब नई रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऐड की गई है कि क्या लास्ट ईयर में व्यक्ति के द्वारा फोन नंबर 10IE फाइल किया गया था यहाँ पे उसे यस या नो ऑप्ट करना है। और क्योंकि बिजनेसमैन इस स्कीम को एक ही बार ऑप्ट आउट कर सकता है इसलिए आपसे यहाँ पे ऑप्शन भी पूछी जाएगी करंट असेसमेंट ईयर के लिए कि क्या आप स्कीम को ऑप्ट इन कर रहे हैं या ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू टू ऑप्ट करना चाहते हैं या ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। इस प्रकार यदि आप नॉट ऑप्टिंग ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं यानी कि आप फर्स्ट टाइम ऑप्ट कर रहे हैं या कंटिन्यू टू ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे फोन नंबर 10IE पहले फाइल करना होगा और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर रिटर्न में देना होगा, उसके बाद ही आप नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे कर सकते हैं और ITR फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करेंगे उनसे फर्दर डिस्क्लोजर मांगा जाएगा।
यानी कि क्या उनकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में है। यदि वो यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में उन्हें अब ये कंफर्म करना होगा कि उन्होंने जो भी अमाउंट रिसीव किया है सेल्स का, टर्नओवर का, ग्रोस रिसीट का या कैपिटल अकाउंट का, जैसे कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लोन इट एक्स्ट्रा, कैश में या फिर नॉन अकाउंट पे चेक में, वो 5% से ज़्यादा नहीं है उनके टोटल अमाउंट का। इसी प्रकार जो उन्होंने पेमेंट की हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट पे एसेट अक्वायर किए हैं या लोन की रीपेमेंट की है कैश में या फिर नॉन अकाउंट पे चेक, तो उस केस में भी उनका पेमेंट 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल पेमेंट का, क्योंकि इस केस में उन्हें टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अदरवाइज उनके लिए टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट बन जाती है, इसलिए सेपरेट डिस्क्लोज़र मांगा जाएगा इस बार से। दोस्तों, रेजिडेंशियल स्टेटस में भी इस बार से ITR में डिस्क्लोज़र मांगा गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट है तो उसे कंफर्म करना होगा कि क्या 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है, या फिर व्यक्ति 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में रहा है और 365 डेज और मोर फोर प्रिसीडिंग ईयर्स में इंडिया में रहा है, या फिर व्यक्ति इंडिया का सिटीजन था लेकिन इंडिया को लेफ्ट किया है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप एंड वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर विद इन द प्रसिडिंग 4 ईयर्स। यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हैव कम ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर विद इन द प्रसिडिंग 4 ईयर्स और 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर विद इन द प्रसिडिंग 4 ईयर्स इफ द टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरन सोर्स एक्सीड 15 लाख। यदि व्यक्ति रेजिडेंट तो है इंडिया का बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उस केस में आपको डिस्क्लोजर देना होगा। यू हैव बीन अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 out of 10 प्रसिडिंग ईयर्स। You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years. You are a citizen of India or a person of Indian origin who come on a visit to India having total income other than income from foreign sources exceeding rupees 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year. You are a citizen of India having total income other than income from foreign sources exceeding 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature. यदि व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में उसे डिस्क्लोजर देना होगा जुरिडिक्शन ऑफ रेजिडेंस एंड टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अलावा यदि व्यक्ति सिटीजन भी है इंडिया का या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उसे टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 preceding ईयर्स देना होगा। यदि टैक्सपेयर के द्वारा लैंड या बिल्डिंग सेल की गई है तो उस केस में जो कैपिटल गेन के अंतर्गत आपको रिपोर्टिंग करनी होती है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। अब आपको डेट ऑफ परचेज, एक्विजिशन एंड डेट ऑफ सेल भी रिपोर्ट करनी होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर सके। जो टैक्सपेयर एग्जम्पशन क्लेम करते हैं सेक्शन 54 में, 54F, 54EC टैक्सट्रा में। इसके अलावा यहाँ पे पहले तो आपको सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही देनी होती थी, लेकिन अब यहाँ से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको सेपरेटली रिपोर्ट करनी है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन सेपरेटली रिपोर्ट करनी है। इसी प्रकार जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है विद इंडेक्सेशन, उसमें भी वो आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना होगा कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। इसी प्रकार जो सेलर है वो जब ये ITR भरता था तो बायर की डिटेल देता था, तो यहाँ पे यदि प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में थी तो उस केस में डिस्क्लोज़र नहीं था, लेकिन अब आपको यहाँ पे जिप कोड भी एंटर करना होगा फॉरेन कंट्री का जहाँ से कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बिलोंग करती है, यानी कि बायर के केस में ये डिस्क्लोज़र आपको यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा पैन और आधार नंबर मैंडेटरी है यदि TDI डिडक्ट किया गया है सेक्शन 194IA के अंतर्गत या फिर बायर के द्वारा डॉक्यूमेंट में से कोट किया गया है। यदि एक से ज़्यादा बायर है तो उस केस में आपको हर बायर के लिए एक्सपेक्टिव परसेंटेज शेयर और अमाउंट यहाँ पे कोट करना होगा। दोस्तों, आप असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इन ITR फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। इनके लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं।
उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26 टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।